दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होंगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निकल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा सांझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो, तो मेरे पुत्र तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फूर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपने ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि की पुकार। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन में प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न होगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया, उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब
तारणाओं को तुच्छ जाना, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अधा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होता है और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बचा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। नीति वचन अध्याय 3। युवकों को सलाह। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना। उस ही को स्मरण करके हर काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी सम्मति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उसमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली, और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उस ही के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें
तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरेगा और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराएगा, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे पूरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में ठाह ना करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मी के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। नीतिवचन अध्याय 8। बुद्धि की प्रशंसा में। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमोहानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पैठाव में और द्वारों ही में हर ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलों, चतुराई सीखो और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुख की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझ वालों के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो,
क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना ठीक से बैर रखना है। घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से भी अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पक्षियाँ स्थिर ना की गई थीं, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और मैदान ना जगत की धूली के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता
और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। अगर आपको इस प्रार्थना के द्वारा आशीष मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, अपने परिवार के साथ शेयर करें। प्रभु की महिमा हो।